दोस्तों सलाम मसनून। आज की अहम ख़बरें भी यम खलीलुर रहमान से उर्दू में सुनिएगा। काबुल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट हमला, दो अफराद हलाक, मुतादद ज़ख्मी, हमलावर का कोई सुराग नहीं। काबुल के हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक रॉकेट हमले में दो अफराद जान बहक और तीन ज़ख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट काबुल हवाई अड्डे को निशाना बनाकर दागा गया था, जहां अमेरिका की क़ियादत में इनखिला के तैयारों की आमदरफ्त जारी है। लेकिन ये नजफ को निशाना बनाने के बजाय एक रिहायशी इलाके में जाकर फट गया। टोलो न्यूज़ के मुताबिक रॉकेट हवाई अड्डे के नज़दीक वाक़ ख्वाजा बगरा रिहायशी इलाके में जा गिरा। इस दरमियान काबुल पुलिस के ज़राए ने खबर रसा एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि रॉकेट राजधानी के 15वीं ज़िला से टकराया। ख्याल रहे कि दो रोज़ कबल भी काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा था, जिसमें 13 अमेरिकी फ़ौजियों और दो बरतानवी शहरियों समेत 170 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इन धमाकों से दो रोज़ कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हमले का अलर्ट जारी किया था। गुज़िश्ता रोज़ भी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमले का खदशा जाहिर किया था। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों के दौरान नए हमले का खदशा है। तरी असना मुसलसल हमले से अफ़गानिस्तान में ज़मीनी सूरतहाल इंतहाई ख़तरनाक है और अब भी मज़ीद हमलों का ख़तरा है। तादम तहरीर हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और न ही हमला आवर का कोई सुराग लगा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में एक मुबैना खुदकशी बमबार हलाक हो गया। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के तर्जुमान ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया है कि ड्रोन हमले में एक खुदकुशी बमबार की गाड़ी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक खुदकश बमबार का ताल्लुक दाइश खरासान से था, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहा था। अमेरिकी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने भी हमले की तस्दीक करते हुए बताया है कि अमेरिकी हमले में एक मुबैना खुदकश हमला आवर को निशाना बनाया गया है। नई दिल्ली करनाल में हुए किसानों पर लाठी चार्ज को लेकर मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने एक बार फिर किसानों की हिमायत में बोलते हुए कहा कि लाठी चार्ज पर हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर कट्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए, साथ ही SDM को बरतरफ करने की मांग की है। NDTV की खबर के मुताबिक उन्होंने ख़ुद को किसानों का लाल बताते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कभी भी किसानों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। SDM आयुष सिन्हा के बारे में उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे के काबिल नहीं हैं, उन्हें बरतरफ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर चल रही किसानों की तहरीक में 600 किसानों की मौत हो गई है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से हमदर्दी के एक लफ्ज़ भी नहीं आए। सत्यपाल मलिक ने कहा
कि अगर ये तहरीक चलती रही तो नुकसान बहुत होगा। मैं सिखों को जानता हूँ। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था तो एक महीने तक उन्होंने अपने फार्म हाउस पर महामृत्युंजय जाप करवाया था। ये जानकारी मुझे अरुण नेहरू ने दी थी। जब अरुण नेहरू ने इसका सबब पूछा तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने सिखों का अकाल तख्त तोड़ा है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक के पेश नज़र मैंने आला क़यादत से कहा था कि वो किसानों पर ताकत का इस्तेमाल ना करें। गवर्नर मलिक ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोलते हुए कहा कि मुझे गवर्नर के ओहदे से मोहब्बत नहीं है, मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ, मुझे किसानों के पास वापस जाना है। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, अगले हफ्ते भी तेज रहने की उम्मीद। आलमी मंडी के मिले जुले रुझान के बावजूद घरेलू सतह पर तकरीबन तमाम ग्रुपों की चार तरफा खरीदारी के जोर पर गुज़िश्ता हफ्ता स्टॉक मार्केट नई चोटी पर पहुंच गई और तवक्को है कि अगला हफ्ता मार्केट में तेज़ी रहेगी। लेकिन छोटे सरमायाकारों को मशवरा दिया जाता है कि वो मोहतात रहें, क्योंकि इस वक्त जिस चोटी पर मार्केट है उसके टूटने का कभी इम्कान है। हेलो फ्रेंड्स, द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस डॉक्टर पळनिवेल त्यागराजन सेड that the government led by Chief Minister Mr. M.K. Stalin is ready to introduce radical reform. Addressing a webinar organized by Dravidian Professionals Forum on Administrative Reforms in Developing Democracies on Sunday, he said the CM is ready for radical reform and he is not ready just to do gradual transformation because he understands that radical reform is the need of the hour. The minister said that the people elected them because they thought that they could make a difference and bring structural reform, a DPEF release said. He noted that ideas are the lifeblood of every movement and the century-old Dravidian movement requires continuous replenishment. It has had an extraordinary round of success and it is very rare that movements last for about 100 years and achieve what it has achieved in terms of inclusive growth, social justice and relatively unique progress in the Indian context. The minister went on to say, in less than 4 months of assuming the office, I had to process almost 1,000 paper files and the files are thick. It is almost humanly impossible to process them with any degree of diligence and the range from matters involving one individual or a few thousand dollars to matters involving $1 billion with consequences for tens and millions of citizens, and there is no distinction between either the speed or the robustness of the process at which these files are processed. दोस्तों, अब आइए अखबार ज़र्रीन सुने जो कि आज के राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुए हैं। ये अखबार ज़र्रीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। सादिक का थोड़ा सा माल,
झूठे की बहुत सी दौलत से अच्छा है। जो शख्स इल्म रखता है उस पर अमल नहीं करता, वो उस बीमार की तरह है जिसके पास दवा है और वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। दाना वो है जो कम बोले और ज़्यादा सुने। हिकमत एक मुबारक दरख्त है जो दिल से उगता है और ज़बान से फैलता है। अपने आप को उस वक्त तक इंसान न समझो जब तक तुम्हारी राय तुम्हारे गुस्से के ज़ेर असर है। अपनी ज़रूरतों को महदूद कर लेना ही दौलतमंदी है। दुआ है कि अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। खुदा हाफिज़।